सभी देशवासियों को वंदे मातरम। और ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए पिछले 70 साल का सबसे खास रहा, कल्पना से परे। और एक देश के हर एक वासी को एक अनोखा सुख मिला, जहाँ हम सभी लोग सुखी थे, हम खुश थे, हम लोग में उत्साह था। वहीं दूसरी ओर एक टीम में क्या, जिसमें बहुत गिने चुने लोग हैं जिन्हें कोई पसंद नहीं करता, तो उनकी तकलीफ ये है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दुख का समय था। मेरी सांत्वना उनके साथ है, पर प्रार्थना करूँगा कि भगवान उन्हें बुद्धि दे और ये सब झेलने की ताकत दे, क्योंकि वो ऐसे हैं नहीं, उनको गलत शिक्षा के कारण ऐसा बना दिया गया। धारा 370 हटना देश के लिए गौरव की बात है। देश का एक एक वासी, देश का एक एक युवा इसके पक्ष में, और ये गलत फहमी भी दूर हो जाए। पीओके पाकिस्तानियों का है, पीओके हमेशा से भारत का है और भारत का ही रहेगा। कश्मीर का एक एक भारत का ही है। सबसे बड़ी तकलीफ की हाथ में आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी तकलीफ तो उन लोगों को हो रही है, क्योंकि आज से पहले सरकारें सोचती थी, मेरी बात को गौर फरमाइएगा, सरकारें सोचती थी कि आतंकवादी क्या कहेंगे। हाँ, हम ये सोचते थे कि आतंकवादियों का क्या एक्शन होगा, अभी आतंकवादी क्या कर लेंगे, हम उसके लिए तैयारियां करते हैं। अब हम फ्रंट फुट पे हैं, और बैक फुट वाले वो लोग ये सोचते हैं कि सरकारें क्या करेंगी, और आतंकवादी डर के बैठे हैं कभी किस कोने में, कभी किस कोने में। करप्ट लोग, आतंकवादी, ये लोग सब डरे हुए हैं। होने दो, कुछ अवार्ड वापस होते हैं तो होने दो, इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या बात है, मीडिया में आने की क्या बात है। देशभक्तों को और युवाओं को मीडिया में लाओ जो देश के साथ खड़े, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने एक दिन कहा था, एक मन से कहा था, कि जिस दिन अखबार वाले और मीडिया वाले सिर्फ पॉजिटिव न्यूज दिखाने लग जाएंगे, तो इस देश से आधा क्राइम ऐसे ही खत्म। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और राजनाथ सिंह जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ये एक्शन बहुत बखूबी निभाया। और डरेंगे वो लोग, और डर रहे हैं वो लोग जो आंख उठाते हैं हमारे देश पर, हमारी भारत माँ पर। और सही कहता है वो, तू तो क्या तेरे अब्बा भी वंदे मातरम बोलेंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम।